नमस्कार दर्शकों, अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने वाली ऐसे न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको रामायण की कथा ही सुनाने वाले हैं। बस फर्क इतना है कि जो कथा हम हमेशा से सुनते आए हैं उसमें हमारी कुछ शंकाएं रह जाती हैं, जो हमारे दिमाग में तो आती हैं, परंतु हम उसके बारे में सोचना बंद करके अन्य कामों में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ लोगों की शंकाएं जब हमारे सामने आई तो उनकी शंकाओं का समाधान करने के उद्देश्य से हम आज का ये वीडियो लेकर आए हैं। शंकाएं कुछ ऐसी थी, जब सीता माता को रावण जंगल से उठाकर ले गया तब भगवान श्री रामचंद्र जी सभी वृक्षों व जानवरों से सीता माई के बारे में पूछते हुए विलाप कर रहे थे। इसका क्या कारण है? क्या वे भी हमारी तरह आम इंसानों की तरह मोह में बंधे हैं? यदि श्री रामचंद्र जी भगवान हैं, तो वे स्वयं क्यों नहीं पता लगा सके कि सीता माता कहाँ है? वे तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब पता होना चाहिए। लंका पर चढ़ाई करने के लिए पुल का निर्माण आखिर किसने किया? हनुमान जी ने, नल नील ने या भगवान रामचंद्र जी ने? जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को सर्पों ने बांध लिया था तो वे अपनी शक्ति से आजाद क्यों नहीं हो पाए? आखिर उन्हें गरुड़ की सहायता क्यों लेनी पड़ी? वे तो भगवान थे। रावण तो भगवान शिव जी का परम भक्त था, तो फिर अंत समय में उसकी रक्षा क्यों नहीं हो पाई? 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस आने के कुछ समय बाद ही मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने अपनी गर्भवती पत्नी सीता जी को घर से क्यों निकाल दिया? तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी शंकाओं का समाधान करना। दर्शकों, भगवान श्री रामचंद्र जी 3 लोक के भगवान है जो पूर्ण परमात्मा नहीं है। तीनों देवों से ऊपर इनके माता पिता देवी दुर्गा व ज्योति निरंजन काल विराजमान हैं, जिनके आदेश से त्रिलोकीय भगवान सब कार्य करते हैं। तीनों देव के पिता ब्रह्म ने ही भगवान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान दिया था, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बुद्धिमानों की बुद्धि व बलवानों का बल मेरे हाथ में है, मैं जब चाहूं ऑन कर दूं और जब चाहे बंद कर दूं। इसी कारण श्री रामचंद्र जी को ये पता नहीं लग सका कि उनकी पत्नी का अपहरण आखिर किसने किया और वो कहाँ है, सुरक्षित है भी या नहीं, किस स्थिति में है। जबकि रामचंद्र जी जिस समय विलाप करते हुए सभी वृक्षों व पशु पक्षियों से सीता माता के बारे में पूछ रहे थे, तब माता पार्वती जी सीता रूप बनाकर उनके सामने प्रकट हो गई, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और बोले, हे दक्ष पुत्री माया, आप अकेली कैसे आई? भगवान शिव को कहाँ छोड़ आई? अब यहाँ विचार करने की बात है कि उस समय राम जी ने अंतर्यामी होते हुए पार्वती जी को तो पहचान लिया, परंतु वही अंतर्यामी रामचंद्र जी को ये नहीं पता कि उनकी पत्नी कहाँ है। इसका उत्तर स्पष्ट है कि ये 3 लोक के भगवान हैं, जिनकी बुद्धि और बल इनके पिता ब्रह्म के हाथ में है। तो अब बात करते हैं, रामचंद्र जी सीता माता के विलाप में रो रहे थे और सभी से सीता माई का पता पूछ रहे थे, क्या वो भी मोह के बंधन में बंधे प्रभु है? दैव्य शक्ति होने के कारण इन पर इन सभी विकारों का प्रभाव कम हो सकता है, परंतु मिट नहीं सकता। ये 5 विकार तो पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से ही मिट सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि लंका पर चढ़ाई के दौरान समुद्र पर पुल कैसे बना? जब रामचंद्र जी ने समुद्र से रास्ता मांगा तो समुद्र ने नल नील के विषय में बताया और रामचंद्र जी ने उन दोनों को तुरंत आगे बुलाकर पूछा कि क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे जल पर पत्थर तैर सके? तो उन्हें इस बात का अभिमान हो गया और वे परमात्मा अपने गुरु जी को याद करना भूल गए और अभिमान वश होकर जल में पत्थर फेंके, परंतु पत्थर जल में डूब गए। ये देख कर सब मायूस हो गए। तब समुन्द्र ने कहा कि इन्होंने महान भूल कर दी, अपने गुरुजी को याद नहीं किया, जिस कारण अब इनके पास वो शक्ति नहीं रही। तब नल नील को पश्चाताप हुआ और अपने गुरुजी को याद करने लगे। तभी ऋषि मुनिंदर जी वहाँ पहुँचे और कहा कि अब तुम दोनों के पास ये शक्ति कभी नहीं रहेगी। जिसके बाद रामचंद्र जी ने मुनिंदर ऋषि से आग्रह किया कि हे महापुरुष, जब आप अपने शिष्यों को ये शक्ति दे सकते हैं तो आप मेरी भी सहायता कर सकते हो। हे महात्मा जी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तब कबीर परमेश्वर जी ने एक पहाड़ी के चारों तरफ अपनी डंडी से लकीर खींच दी और कहा कि इस पहाड़ के सब पत्थर हल्के हो गए हैं और ये पानी में नहीं डूबेंगे।
तुम इनसे पुल बना सकते हो। रामचंद्र जी ने और सभी ने मुनिंदर ऋषि जी को प्रणाम किया और पुल बनाने लगे। हनुमान जी उस पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर लेकर आए और नल नील शिल्पकार थे, जिस कारण पत्थरों को आकार में काट कर समुद्र पर जोड़ना उनकी जिम्मेदारी थी और इसी तरह सभी की मदद से पुल तैयार हुआ। परंतु पुल बनाने वाले पूर्ण परमात्मा थे, जो मुनिंदर ऋषि के रूप में त्रेता युग में आए हुए थे। तो अब बात करते हैं युद्ध के दौरान, जब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी व उनकी सेना को सर्पों ने बांध लिया था, तब वे बंधन मुक्त परमात्मा भगवान विष्णु जी स्वयं बंधन मुक्त क्यों नहीं हो सके और उन्हें गरुड़ की सहायता की आखिर क्यों जरूरत पड़ी? दर्शकों, भगवान श्री रामचंद्र जी बंधन मुक्त परमात्मा नहीं है, वे स्वयं इस काल लोक में काल के बंधे हुए हैं, तो वह खुद को या किसी और को मुक्त कैसे करवा सकते हैं? बंधनों से मुक्त होने के लिए निर्बंध की आवश्यकता पड़ती है और निर्बंध तो केवल बंदी छोड़ परमेश्वर कबीर जी ही है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था, तो उसकी रक्षा क्यों नहीं हुई? दर्शकों, आपको बता दें कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव शंकर पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, इन तीनों लोक में केवल एक एक विभाग के ही मंत्री हैं। यहाँ जिसने जैसा किया केवल उतना ही दे सकते हैं, उसको घटा बढ़ा नहीं सकते, यानी कि मृत्यु को नहीं टाल सकते। जैसे रावण ने शंकर जी के सामने 10 बार अपना शीश काट कर चढ़ा दिया था, तो शंकर जी ने 10 बार शीश वापस कर दिया था। इससे ज्यादा ये नहीं कर सकते, परंतु वेदों में लिखा है कि केवल पूर्ण परमात्मा ही साधक की मृत्यु को भी टाल सकता है। और इस तरह रावण की मृत्यु का कारण यह भी था कि रावण को अपनी भक्ति पर, अपने राज्य पर और अपनी औलादों पर अभिमान हो गया था, और जिस कारण रावण भगवान से दूर होता चला गया। वो भक्ति करता था पर अभिमानी हो गया था, और जहाँ अभिमान होता है वहाँ भगवान नहीं होता, और इसीलिए उस अहंकारी का नाश हुआ। तो अब बात करते हैं कि अग्नि परीक्षा दिलाकर सीता जी को वापस घर लाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने सीता माता को घर से क्यों निकाल दिया? दर्शकों, श्री रामचंद्र जी रात को एक आम व्यक्ति के वेश में नगरी में घुमा करते थे, जिससे लोगों की आपत्तियों को दूर कर सके। एक दिन जब वे रात्रि में बाहर गए, तो एक व्यक्ति अपनी पत्नी को डांटते हुए कह रहा था कि चली जा यहाँ से, अब क्या लेने आई है यहाँ, 3 दिन तक कहाँ गायब थी, क्या पता किसके साथ थी, इतने दिन बाहर रहकर आई है और अब मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं उस रामचंद्र की तरह पागल नहीं हूँ जिसने 12 वर्ष तक बाहर पराए मर्द के साथ रही अपनी पत्नी को स्वीकार कर लिया, चली जा यहाँ से। ये सब सुनकर रामचंद्र जी को लगा कि उनका तो मजाक बनकर रह गया है, जिस कारण से अगले ही दिन उन्होंने अपनी पत्नी सीता माता को ये कहकर घर से निकाल दिया कि मैं लोगों के व्यंग सहन नहीं कर सकता, जबकि वे स्वयं सीता जी की अग्नि परीक्षा लेकर उन्हें अपने साथ लाए थे। परंतु एक धोबी के मजाक करने पर उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को ही घर से निकाल दिया। तो क्या ये सही इंसान भी थे जिन्होंने एक गर्भवती महिला को आम व्यक्ति के व्यंग करने पर ही घर से निकाल दिया, जबकि अग्नि परीक्षा में सीता माता सफल हुई थी, जिससे सिद्ध भी होता है कि वे पूर्णता सती व पतिव्रता थी। फिर भी रामचंद्र जी ने उन्हें घर से निकाल दिया, जिसके बाद वो कभी नहीं मिले। दर्शकों, हमें पता है कि इन सभी शंकाओं का समाधान जानकर आप चौंक गए होंगे, पर यहाँ एक बात और भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि दशहरा यानी कि विजयदशमी मनाना व्यर्थ का आचरण है। लोग दशहरा इसलिए मनाते हैं ताकि यह यादगार बनी रहे कि इस दिन दुनिया से बुराई का नाश हुआ था और अच्छाई की जीत हुई थी। परंतु विचार करने की बात है कि सीता माता को रावण की कैद से मुक्त करवाने के लिए रामचंद्र जी ने रावण के साथ युद्ध किया, उसे मार दिया और फिर उसी सीता माता को अपने घर से निकाल दिया। तो युद्ध करने का और रावण को वो इतनी जनता को मारने का क्या फायदा हुआ? इतनी जीव हत्या का पाप और बढ़ गया। और दूसरा, जिस दिन सीता माता जी के आने की खुशी में लोगों ने दीप जलाकर सीता माता का स्वागत किया था, तो उस दुख की घड़ी का क्या जब उन्हें घर से निकाल दिया था? फिर आज दीपावली किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है? माता सीता जी के घर आने की खुशी में या उनके महल त्याग कर जाने की खुशी में? आज का समाज समझदार है, सब संकेत समझ सकता है। इन विचारों पर गौर करें और ये आन उपासना और ये निराधार त्योहार मनाना छोड़कर परम पिता परमात्मा की सद्भक्ति करें, और सद्भक्ति से ही सर्व लाभ प्राप्त होंगे और मोक्ष भी होगा।
वर्तमान में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के भेजे हुए अवतार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही सभी सदग्रंथों से प्रमाणित सदभक्ति बता रहे हैं, और इसीलिए अब देर ना करें, तत्व ज्ञान समझें, वो उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद।